हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत ही अनकॉमन है, अनयूजुअल है, इसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, जानकारी बहुत कम है, कुछ लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए मैं बता देती हूँ, ये टॉपिक है न्यूनेटल मैस्टाइटिस। ये न्यू बॉर्न बेबी में होता है। इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप पूरा का पूरा वीडियो मेरा देखिए, और अगर ये पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूनेटल मैस्टाइटिस ये है क्या? न्यूनेटल मैस्टाइटिस बच्चों के ब्रेस्ट के टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाना, उसे ही हम न्यूनेटल मैस्टाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब बच्चा बॉर्न होता है उसके 2 वीक्स के बाद में ये इन्फेक्शन हो जाता है। सभी बच्चों को ये इन्फेक्शन नहीं होता है। अब बात आ जाती है कि इन्फेक्शन होता क्यों है, किस तरह से बच्चे की बॉडी में ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो माँ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं जो कि बेबी तक पहुँचता है, और जब बेबी बाहर आता है तो वो हार्मोन्स के वजह से ही बेबी का ब्रेस्ट स्वेल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें लिक्विड सा जम जाता है। ये लिक्विड मिल्क नहीं है, इस लिक्विड को हम विचेस मिल्क भी बोलते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बॉय या गर्ल दोनों में ही देखा जाता है। लेकिन रेशियो से पता चलता है ज़्यादातर ये इन्फेक्शन गर्ल्स में ही होता है बॉयज़ के मुकाबले। तो अब बारी आ जाती है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ना कोई उसमें मसाज देना है, ना फिर उस लिक्विड को बाहर निकालने के लिए कोई भी ट्राई करना है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो जाता है, खुद से हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा हो, आसपास पूरा रेडनेस हो चुका है, बेबी को पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उससे फीवर आ जा रहा है, या फिर बेबी अनकंफर्टेबल फील करता है, तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। खुद से कोई भी होम रेमेडीज़ उसके ऊपर ट्राई मत कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप लिक्विड को निकाल देते हो कि बच्चा मेरा पेन में है तो अगर मैं ये लिक्विड निकाल दूंगी तो बच्चा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लिक्विड निकाल दोगे, बच्चे के अंदर जो मिल्क ग्लैंड है वो खाली हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया इन कर जाएंगे और उसके बाद बच्चों को और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। जब हमारे पास डॉक्टर है तो हम डॉक्टर से ही कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। ये आज मैं इसलिए शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। जब मेरी बेटी भी हुई थी और उसके 2 सप्ताह के बाद ही मैंने भी देखा कि मेरी बेटी के जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़े हो चुके थे और कुछ लिक्विड सा भरा हुआ था। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था पहले से कि ये क्यों हुआ, तो मैंने भी पूछा अपने बड़ों से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या है, ये कोई बीमारी तो नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे घर में भी लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन आप उसको मसाज मत कीजिए और लिक्विड बाहर निकालने का कोई भी घर पे ट्राई मत कीजिए। डॉक्टर ने हमें बोला, हमने वही किया और विद इन अ वीक वो बिल्कुल ठीक हो गई, अपने आप से ठीक हो गई, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए आज मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये बहुत ही अनकॉमन टॉपिक के बारे में है जो कि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, देखा होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपकी बेबी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया वो भी मुझे बता सकते हैं आप। और भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।
मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे सकूँ। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अनकॉमन टॉपिक है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो हम जितना शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को, अपनी बातों को, उतना लोगों तक, जितनी लोगों तक पहुँचे, जितना लोगों का हेल्प हो सके, हमें वही ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आ जाऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।